क्या क्या हुआ मामा को? नहीं नहीं नहीं, मामा को कुछ नहीं हो रहा था। वो भी छोड़ के जा चुकी है, मर गई मेरी बहन। किसे पर चुगनी वाली बातें कर रही हैं? सुहाग का जोड़ा भला कौन बदलवाता? हाँ लेकिन बेटा ये, अरे खाला मान जाए ना, नाजो बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मनहूसियत होती है ऐसे। सांस रुकने लगती है मेरी। मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, तुम्हारी मासूमियत पे हंस रहा हूं। वैसे अम्मा अब आप बूढ़ी हो गए हो, वो जायका नहीं रहा आपके हाथों में। हाँ भाई, अब तुझे क्यों माँ के हाथ का खाना पसंद आएगा? अम्मा जेलिस हो रही है अपनी बहू से। अरे वो तो इतनी प्यारी बच्ची है, भला उससे कौन जेलिस हो सकता है? मैं से सच कहूँ, उसने घर को संवार दिया है। बड़े बेकदरे लोग थे जिन्होंने उसकी ये हालत कर दी, और मियाँ तो ऐसा कि जल्लाद भी क्या होगा। बच्ची ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। बड़ा याद आ रहा है उसे अपना साफ का शौर। ये क्या कह रहे तू अहमद? वो जो मुझे नजर आ रहा है, मोहब्बत उसे दिखाई नहीं दे रही, उसका जुल्म याद आ रहा है। क्या पता उस शौहर को भी। पता है अहमद, जब मुझे तलाक हुई थी तो मुझे लगता था कि जिंदगी ख़त्म हो गई, मेरे हिस्से में कोई खुशियां हैं ही नहीं। जिंदगी जैसे मुझसे रूठ गई, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गलत थी। जिंदगी में दुख ही दुख हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। और अगर किसी को खुशी की ख्वाहिश ही ना हो तो वो क्या करे? खुशियों की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, बस दुख की कैफियत हमें कुछ एहसास होने नहीं देती। देखो तुम्हें तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिलेगी जो तुम डिजर्व करती, अगर जिसकी ख्वाहिश थी वो तो नहीं मिला ना। जिसकी चाह थी वो तो नहीं मिला ना फासिया। शायद इसमें भी कोई बेहतरी हो, अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलहत है। बहला रही हो मुझे? नहीं, समझा रही हूँ, शायद यही हम सब के लिए बेहतर है। इससे पहले भी एक सुहाग का जोड़ा खरीदा था, बाबा के साथ। मुझे उसमें देखना चाहता था, और आज भी ये सुहाग का जोड़ा खरीदा। अगर ये उसके लिए नहीं है, ये भी एक आजमाइश है फौजिया, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। से नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकती मैं, कोई नहीं समझेगा, ये कोई नहीं समझेगा। अम्मा देखो शायद इसी में सबकी बेहतरी है। आइए ना जी, जी आइए आइए, देखिए। वाह कैसा लग रहा है कमरा, अच्छा सज गया ना? ये क्या हो रहा है? कोई ना, क्या मतलब क्या हो रहा है? कमरा है, मैंने सजवाया है, क्या हो गया? मगर वो मगर क्या, तो खूबसूरत लग रहा है, नाजो ने इतनी मेहनत भी की। मगर भाई वो अमल को गुलाबों से एलर्जी है,
इसे हटाना होगा। अच्छा तो अमल की पसंद कितनी फिक्र है आपको, लेकिन भाई की पसंद का जरा ख्याल नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, गुलाब जेठ जी को भी बहुत पसंद है, ये कमरा इन्हीं की फरमाइश पे सजाया गया। सॉरी भाई, मुझे अंदाजा नहीं था। सुखी फवाद, सॉरी की कोई बात नहीं, अगर आई थिंक शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर अमल को गुलाबों से इतनी एलर्जी है तो हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने बताया नहीं है आप लोगों को। सुहाग की सेहत सिर्फ एक दफा ही सचती है, अगर इसके साथ कुछ किया तो तौबा तौबा, बहुत नहुसत आ जाएगी घर। क्या हो गया तुम लोगों को, यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हो? अभी माई और मेहंदी का सामान भी लेकर जाना है, जल्दी करो। अरे अम्मी, मेरी मेरी प्यारी अम्मी, सब हो गया, सब तैयारी है कम्प्लीट। आप बस मुझे पहले ये बताएं कि कमरा कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बच्ची कितनी जिम्मेदार है। माँ वो फौजिया नहीं आई? अरे बेटा वो अमल अकेली थी ना, तो वो उसके पास है। और वैसे भी अम्मी को कहाँ फौजिया की याद आएगी, मैं जी हूँ इनके साथ। बिल्कुल ठीक कहा, तुम भी तो मेरी बेटी हो। अच्छा अब जल्दी से करो बेटा, हम बहुत लेट हो गए हैं। हाँ हाँ चले। पता है मैं क्या सोच रही थी, अमल के हाथों पे मेहंदी भी नहीं लगाऊंगी, आखिर जिठानी है वो मेरी। मेरी शादी है इसलिए मुझे खास लगना चाहिए। तुमसे बढ़कर है कोई खास? इन्हें हर इंसान अजीज है सिवाय मेरे। मिस्टर फवाद देखें, ये बदतमीजी नहीं करें, और रही बात अजीज होने की, तो इंसान में कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए ना। अच्छा तो फिर बताइए क्या बुराई है मुझमें? I'm not afraid to die।
क्या साबित करना चाहती हो? कुछ साबित नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब करके आप लोगों की बेइज्जती का पता चल रहा है। कौन कर रहा है बेइज्जती बताओ मुझे? अरे ये सब तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए आए, और तुम बहुत शुक्रिया उनका, मगर प्लीज मम्मा खुदा के लिए उन सब से कहें कि अपनी हमदर्दी समेटे और चले जाए यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कौन कर रहा है हमदर्दी? मैं कर रही हूँ, तुम्हारी खाला कर रही है, फवाद कर रहा है, या नाजो? नासो तो इतनी अच्छी लड़की है, सारी मेहनत उसी की है, उसी ने ही सब कुछ सजावट की है, और तुमने उसके किए गए पे पानी फेर दिया। मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसका कत्ल कर दूं। अमर, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे मैं बढ़ रही हूँ या फिर वो बढ़ रही है? और आप, आपने उसे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिल में भी जगह दे दी है, क्यों मामा क्यों? वो सब एक हादसा था, समझो तुम। मामा हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। क्यों नहीं समझ में आ रहा आप सबको? मैं मानती हूँ कि वो साजिश थी, लेकिन अब उसका क्या हो सकता है? वो वक्त तो गुजर गया ना बेटा, और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। फवाद तुम्हारा माजी है और अफान तुम्हारा हाल है, समझो इस हकीकत को। अफान हकीकत है, उसे अपनाओ, बहुत जल्द सुकून में आ जाओगे, समझो। काश मैं अपने माजी को दफन कर पाती, काश। मैंने कितनी बार समझाया, अगर वो ये सब चाहती नहीं थी तो आपने क्यों इतना हंगामा किया? Not needed. फान बेटा, ये सब कुछ भी तो हम उसी के लिए कर रहे हैं ना। तुम जानते हो हर लड़की को अपनी शादी के बारे में बहुत से अरमान होते हैं बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन अरमान उन लड़कियों के होते हैं जिनकी शादी खुशी अपनी मर्जी से की हो। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अमल की खुशी नहीं है। फान बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। अमल तुम्हारी होने वाली बीवी है,
और अब तुम्हें उसके बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। सोच तो बदल सकती है ना, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे यही बात का चक्कर है बेटा, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर वो चीज़ मिल जाए जिसे वो चाहता। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई ख्वाहिश भी नहीं की, इसे ये की ख्वाहिश थी बाप कि मैं सबको खुश देख सकूं। मैं वो भी पूरी ना कर सका। आई फेल, काम हो गया माँ, सॉरी नाकाम हुआ। मेरी जान ऐसा नहीं कहती, मेरा बच्चा नाकाम हो ही नहीं सकता। जो अपनी ख्वाहिशों को दूसरों पे कुर्बान करते वो कैसे नाकाम हो सकते हैं? मैं ऐसे नहीं कहती। तुम जानते हो बेटा वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? अच्छा हो बुरा हो उसका काम है गुजरना, गुजर ही जाता है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आगाज होता है, और तुम्हारे लिए एक नई सुबह मुंतजर है बेटा। मैं नहीं जानता कि कल मेरे लिए क्या लेकर आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा कि मुझे कोई और टुकराए। मुझे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ मेरा बच्चा, नहीं मैं कर सकती हूँ माँ, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। I fail माँ। नहीं बेटा, ना मेरी जान, नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं होगा। बस तुम्हारी कजन को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है, इतना तमाशा क्यों कर रही है? क्या कर रही है वो ये सब कुछ? अपनी माँ की इज्जत का ख्याल भी नहीं है यार उसे। अहमद आपको पता तो है किस कैफियत से गुजर रही है। ये सब हाँ करने से पहले सोचना चाहिए था। जब हाँ कर ही दिया है तो इतना वलवला क्यों मचा रही है? अच्छा क्या बताना चाह रही दुनिया को, कि सो बहुत जुल्म हो रहा है? नहीं वो तो बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी, वो तो सबने इतना फोर्स किया कि उसे राजी होना पड़ा। कहीं तुम नाजो की तो बात नहीं कर रही? नहीं नहीं मैं नाजो की बात क्यों करूँगी, मैं तो बाकी सब की बात कर रही हूँ। और फिर खाला की बीमारी के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अपनी बीमार माँ की बीमारी का फायदा उठा रही। वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारी कजन जो है ना, ये घर बसाने वाली नहीं लगती मुझे, कुछ समझाओ उसे। अहमद ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें मैं क्या कर रहा हूँ, जो है वो तुम्हें बता रहा हूँ। शरीफ लड़कियों के तौर तरीके ऐसे नहीं होते। अहमद आप नाहक उस पर इल्जाम लगा रहे और ऐसी बातें करते हुए ना आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा तो शर्म भी मुझे आनी चाहिए। वैसे जो दो कश्तियों की सवार होती है ना, उनका घर कभी नहीं फंसता, हमेशा डूबती हैं। अल्लाह ना करे अहमद, इंसान के अपने करतूत होते हैं जो उसे बर्बाद करते हैं। अपनी कजन को सिखाओ कि सब्र करे। नाजो
नाजो नाजो नाजो, क्या है? आराम से नहीं आ सकती है? तेरे होते किसी को आराम हो सकता है क्या? मेरी बात सुन, जिस दिन तुझे बेआराम करने की ठान ली ना, तो ये सब कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगी, समझी? अब बोल भी चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, तू पहले मुझे मारने के मंसूबे बना ले। देख नरगिस, बताना है तो बता वरना जा यहाँ से। मूड बहुत अच्छे मेरा, खराब मत कर। वाह भाई, तू यहाँ मूड अच्छे किए बैठी है और वहाँ सब एक दूसरे से मुंह छुपाए बैठे। तो मैं क्या करूँ? अल्लाह, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरी सास इतनी परेशान है और जेठ जी? अरे तू आखिर में बहुत भोली है, जेठ जी तो सोप मना रहे, आज भी मुझसे इश्क करते। बस कर दे नाजो, और कितना तड़पाएगी उन्हें? तौबा तौबा, हम कौन होते हैं किसी को तड़पाने वाले? मोहब्बत है ही ऐसी सजा, जब तड़पाती है तो कहीं सुकून नहीं मिलता। लेकिन अमल के तेवर देख के लग रहा है कि वो तेरे हाथ नहीं आएगी। वो मेरे हाथ भी आएगी और उसके तेवर भी दुरुस्त कर दूंगी, लेकिन फिलहाल तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला, जा सोचा जाके गेस्ट रूम में, हम आज जी भी आने वाले हैं। अच्छा बल्कि सुन, मैं ही ले चलती हूँ तुझे, इतना बड़ा घर है, ऐवें कहीं घूमी ना हो जाए। आजा आजा। नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, तुम सोई क्यों नहीं? सो जाओ। जब शोहर परेशान हो तो बीवी कैसे सो सकती? मुझे भी नहीं बताएंगे। ऐसे क्या देख रहे? सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानी कैसे समझ में आ जाती है। यहाँ रहती हूँ, यहाँ होने वाली हर हलचल की खबर होती है मुझे। अगर मोहब्बत की परेशानी को नहीं समझूंगी तो क्या खाक मोहब्बत की है? बताइए फवाद जी, क्या हुआ है? कहीं अमल की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिश्ते बदल जाते हैं ना, तो नजरिए भी बदल जाते हैं, देखने का अंदाज बदल जाता है। मेरा अमल से रिश्ता बदल चुका है। तो फिर कहीं मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से क्यों? तो सब कुछ मैंने ही तो किया। शरीफ लड़कियों के तौर तरीके ऐसे नहीं होते। वैसे जो दो कश्तियों की सवार होती है ना, उनका घर कभी नहीं बसता, हमेशा डूबती है। तुम जैसी औरतें कभी घर नहीं बसा सकती, आवारा बदचलन। अल्लाह ना करे अहमद, इंसान के अपने करतूत होते हैं जो उसे बर्बाद करते हैं। आपकी बातें मुझे माजी के अंधेरों में फेंक रही है। प्लीज अहमद, मुझे इस खौफ में मत डालें। प्लीज दो बहनों को मिलाने के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई कि इसका अंजाम क्या होगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना फवाद जी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखो, तुमने जो भी किया है ना, हमारे लिए किया है, हम सबके लिए किया है। और अपनों के लिए किया गया अमल कभी गलत नहीं होता। एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाहती हो। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जरूर होगा।
तुम्हारे साथ हूं। मुझे यकीन है। चले हेलो हेलो क्या हुआ हिना, रो क्यों रही हो तुम? वो बहुत अजियत में और मुझसे अपनी बेटी की अजियत देखी नहीं जा रही। हिना अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसी का तो आसरा है अब, तो करे मेरी अमल को सुकून मिल जाए। उसकी बेसुकूनी मेरी बेचैनी को बढ़ा रही है। उसकी तरसती हुई आंखें मुझे तड़पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप बताएं मैं क्या करूं। देखो हिना, वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वो हर जख्म को भर देता है। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आप अमल को खामोशी से ले जाए, उसके अंदर बहुत शोर है, बहुत बेचैन है मेरी बच्ची। बाहर तो कम से कम खामोशी रहनी चाहिए। खुदा के वास्ते उसे खामोशी से ले जाए, उसे उसका मातम देकर नहीं जाता। छप, तुम फिक्र मत करो, हम चंद लोग ही आएंगे। तुम परेशान मत हो, बस रोना बंद करो तुम। ठीक है अब्बा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई आपका फेवरेट कलर है। ओ लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। नहीं? Something is missing. समझ नहीं आ रहा क्या? Yeah. Perfect. I like this. क्या? भाई लेकिन आप ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पहनते। ये क्या बात हुई, बिल्कुल पसंद है? हाँ मगर आपने कभी मतलब क्या कभी क्या मतलब कभी मियाँ, लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, फिर भी चॉइस है, कभी बदल सकती है। आई लाइक इट। तब्दीली तब्दीली भाई
अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जेठ जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप। क्यों फवाद जी? ऑफ कोर्स, मेरा भाई किसी शहजादे से कम नहीं। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? सुरमा लाओ, मैं लगा दूं। नहीं, ये भाभी का हक होता है। मतलब? उफ़ फवाद जी, मतलब भी समझा दूंगी। हमारे यहाँ ये रस्म सिर्फ भाभियाँ करती हैं और जेठ नेक देते हैं। आप लोगों की रस्म खत्म हो गई है या कुछ बाकी है? नहीं नहीं, हो गई। अमल बेटा, तुमने सारी चीजें रख ली अपनी? जी। देखो जरा, ये वहां क्या कर रहा है? ये भूल गई ना तुम? भूलना ही तो चाहती हूँ, मगर कम बखत याताश। चलो आज मैं तुमसे अपनी बात शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो जिंदगी को अपनी नजर से देखती थी। रंग, तितली, खुशबू, बारिश, अम्मा की मोहब्बत और अब्बा की डांट, वो 2 रुपए के पकौड़े और पीपल के पेड़ में लगा हुआ झूला, बस यही मेरी जिंदगी थी। बचपन की हंसी में ही सब कुछ था मेरे लिए। पता क्या हुआ, मैं बड़ी हो गई और ये सारी चीजें, अम्मा आपा, रंग, खुशबू, बारिश, ये सब कहीं दूर रह गए, बहुत दूर। हाथ आई तो एक तल्ख हकीकत, ऐसी हकीकत जिसका तस्वुर भी मैंने नहीं किया था। बेटा कंप्रोमाइज करना बहुत मुश्किल होता, मैं जानती हूं, और वो भी ऐसे सपनों पर जिनके जरिए हम सांस लेते हैं। लेकिन बेटा ये सब कुछ करना पड़ता। मैंने भी अपनी जिंदगी को समझौतों की नजर कर दी, मगर भूल गई थी कि अंदर जितना गहरा सन्नाटा होगा, बाहर की खुशियां उतना ही तंग करेंगी। अपने इर्द गिर्द बहुत ऊंची दीवार बना ली थी मैंने। एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी जो थी मैं, लेकिन जिस दिन तुम मेरी गोद में आई थी ना, मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी कभी समझौता नहीं करेगी, वो हमेशा अपनी ही शर्तों पर जिएगी। जिस चीज पर उंगली रखेगी वो चीज उसका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन शायद भूल गई थी, मुकद्दर
किसी के इख्तियार में नहीं होता। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें आजमाइशों से नहीं बचा पाई। क्योंकि मुकद्दर लिखना मेरे इख्तियार में था ही नहीं ना। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मामा, इसे ऐसा मत करें। फवाद जी, आप यहाँ पे झाके अमल को ले आए। मैं क्यों जाऊँ, ड्राइवर को भेज दो। तौबा तौबा, आप घर की इज्जत ड्राइवर के साथ आएगी? इसमें इज्जत की बात कहाँ से आ गई? क्यों क्यों इज्जत की बात? अरे वो बेचारी वहाँ पे तैयार होकर इंतजार कर रही कोई लेने आए, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा। ये कितनी बेइज्जती की बात है, जेठ जी खुद तो नहीं जाएंगे। नाजो। क्या नाजो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, होने वाली भाभी हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ठीक है, अगर नहीं जाना तो ना जाए, मैं चली जाती हूँ, अपनी तैयारी छोड़ देती हूँ, लेकिन ये काम भी मुझे करना होगा। अच्छा अच्छा, मैं चला जाता हूँ, तुम तैयार हो, मैं जाके ले आता हूँ। जल्दी जाए।